एक बार फिर आपके स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था पोषण के बारे में, यानी कि डाइजेशन के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, उसके बाद में प्रकाशन स्वपोषी पोषण के बारे में बताया था, उसके बाद में विषम पोषी पोषण के बारे में बताया। विषम पोषी पोषण में मैंने होलोजोइक के अंतर्गत आता है एक जीव अमीबा, अमीबा के बारे में मैंने पोषण बहुत डिटेल से बताया था, बहुत डिटेल से चर्चा किया था। उसके बाद में आता है जीवों के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया। उसके बाद में ह्यूमन डाइजेशन आता है, ह्यूमन या फूड कह लीजिए या डाइजेशन कह लीजिए, जब हम भोजन करेंगे तो डाइजेशन ज़रूर होगा। तो ह्यूमन डाइजेशन पढ़ाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानना हमें आवश्यक हो जाता है, हम जानेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या होते हैं। तो देखिए, डाइजेशन आज हमें पढ़ाना है ह्यूमन में। डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन, इसका अर्थ होता है मानव में पाचन क्या होता है। जैसे पाचन ये होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं पाचन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं ग्लैंड पढ़ाने वाला हूँ। जब तक आप ग्लैंड नहीं समझ पाएंगे, ग्रंथियाँ नहीं समझ पाएंगे, हार्मोन्स नहीं समझ पाएंगे और पेप्सिन नहीं समझ पाएंगे, एंजाइम्स नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपका पाचन हो ही नहीं सकता। तो डाइजेशन नहीं बताएंगे, डाइजेशन जान लो कि क्या होता है, थोड़ा सा डाइजेशन जान लीजिए। लार्ज पार्टिकल्स और एक तरफ होता है स्मॉल पार्टिकल्स। ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत बड़े बड़े अणु में फूड होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, पहला नंबर ये इसको लिख लेते हैं, दूसरा नंबर इसको लिख लेते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स फूड का ग्रहण करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब होता है जैसे हम रोटी लिए, चावल लिए, दाल लिए और सब्जियां लिए, अचार लिए, कुछ भी लिए, यानी कि दूध लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड में होता है। बड़े बड़े अणु होते हैं, जो बड़े बड़े अणु होते हैं वो जब अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, भोजन माउथ कैविटी में ले जाते हैं, तो दांतों के द्वारा उसे चबाते हैं, चबा करके उसे तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो क्या हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स हो जाता है। स्मॉल पार्टिकल्स में हो गया, क्या पाचन हो गया, अभी नहीं पाचन हुआ। पाचन तब कहा जाएगा जब हमारा भोजन हमें हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, तब हम उसको मानते हैं कि पाचन हो गया। अब देखते हैं, ये लार्ज पार्टिकल है, ऐसे ऐसे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में ये भोजन है, ये चेंज कर देता है स्मॉल पार्टिकल्स में। अब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये भोजन बन गया, इसे कायम की संज्ञा दे सकते हैं ना, कायम की संज्ञा दे सकते हैं या इसे मंड की संज्ञा दे सकते हैं ना, मंड बन जाता है। तो पाचन यहाँ पर ऐसे मतलब छोटे अणु में टूट गए, यहाँ पाचन नहीं हो पाएगा। हम ग्रंथियाँ पहले पढ़ेंगे, ग्रंथियाँ पढ़ लेंगे तब हम पाचन पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ग्रंथ हम समझ नहीं पाएंगे, पाचन नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हम पहले आज ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, ग्लैंड यानी कि ग्रंथियां, ठीक है बच्चों, ग्रंथियां आज पढ़ेंगे कि ग्रंथ होता क्या है। पहले ग्रंथ की परिभाषा जान लो, ऐसा आर्गन या ऐसा अंग जो जूस, एंजाइम, हार्मोन सक्रिय करता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ऐसा आर्गन जो जूस, एंजाइम और हार्मोन सक्रिय करता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं या ग्रंथ कहते हैं।
अब देखते हैं कि ग्रंथ क्या होता है। तीन पार्टिकल्स में मैं इसके डिवाइड कर रहा हूं, जूस क्या हो गया, जूस रस जिसे कहते हैं, जूस मीन्स रस होता है, रस भी कह सकते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम एंजाइम्स होता है, एक हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। तो अब जान लीजिए कि ऐसा अंग जो जूस एंजाइम्स और हार्मोन्स सक्रिय करता है उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। अब देखते हैं कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं कि ग्रंथ दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, इस साइड में मैं लिखता हूँ। पहला नंबर हो जाएगा एग्जोक्राइन ग्लैंड, एग्जोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड। दूसरा नंबर हो जाएगा इंडोक्राइन ग्लैंड, क्राइन ग्लैंड। इसे कहते हैं बाह्य श्रावी ग्रंथ, बाह्य श्रावी ग्रंथ। इसे कहते हैं अंतः श्रावी ग्रंथ। अब सर ये इग्जोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, बाह्य श्रावी ग्रंथ अंतः श्रावी ग्रंथ क्या है, आइए जानते हैं। इग्जोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्य श्रावी ग्रंथ, ऐसा आर्गन जो जूस एंजाइम्स, जूस और एंजाइम्स सक्रिय करे और वो अंदर से अंदर में ग्लैंड हो, अंदर से सक्रिय करे और वो जूस और एंजाइम्स बाहर निकल जाए, उस ऐसे आर्गन को क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्जोक्राइन ग्लैंड, इग्जोक्राइन ग्लैंड यानी कि वाय श्रावी, श्रावित तो अंदर होगी लेकिन उसके जूस क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे लक्रमाइल ग्रंथ कहाँ पर पाई जाती है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, आँख में होता है, आँख में एक लक्रमाइल ग्रंथ होती है जिसे अश्रु ग्रंथ हिंदी में कहते हैं। वहाँ से जब आंसू निकलता है ना, ग्रंथियाँ दिखाई नहीं देती हैं हमारी आँख में, है कि नहीं, दिखाई नहीं देती, पर जब वो श्रावित होती हैं तो उसके जूस कहाँ निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब क्या करते हो, बीपिंग करते हो, रोते हो, तब क्या होता है, या बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए तब भी आंसू निकलते हैं, या रोने लगे तब भी आंसू निकलते हैं, तब उसके जूस कहाँ निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसीलिए इसे कहा गया बाह्य श्रावी ग्रंथ, इसको इंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, तो बाह्य श्रावी ग्रंथ कितनी होती हैं, सेवन, बाह्य श्रावी ग्रंथ सेवन होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड आ जाओ, ऐसा आर्गन, ऐसी ग्रंथ जो अंदर श्रावित हो और अंदर ही अवशोषित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड होती है नौ अंतःस्रावी ग्रंथ, सात जो होती हैं क्या होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कुल मिलाकर के और जो दोनों प्रकार की, मतलब अब एक चीज और जान लो, जूस एंजाइम्स, जो जूस और एंजाइम सक्रिय करता है वो कौन सी ग्रंथ होती है, इग्जोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। जो जूस और एंजाइम सक्रिय करती है उसे क्या कहते हैं, इग्जोक्राइन ग्लैंड, बाह्य श्रावी ग्रंथ। और जो हार्मोन्स को सक्रिय करता है उसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सक्रिय करता है और जो जूस और एंजाइम सक्रिय करता है उसे एग्जोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्य श्रावी ग्रंथ कहते हैं। और जो तीनों को सक्रिय कर दे उसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड।
मिक्स ग्लैंड यानी कि मिक्स मीन्स मिक्सचर है दोनों, यानी कि तीनों को स्रावित कर दे। इसमें जैसे हो जाएगा पेंक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथियां, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम पहला पढ़ाएंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, पहला क्या पढ़ाएंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। सर ये दूसरी तरफ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसका मत रीजन होता है। जैसे ब्रेन जब पढ़ाएंगे ना तो मैं फ्रंटल लोब से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि सर ये दूसरे नंबर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नंबर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। चलो फिर हम देखते हैं न इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है कौन कौन सी होती हैं, उनका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पर पाई जाती हैं, उनसे कौन सा हार्मोन्स निकलता है। आइए देखते हैं, हम इंटरफेस करते हैं स्किन। तो आइए बच्चों इसको देखें कि अब देखिए नौ इंडोक्राइन ग्लैंड पूरी की पूरी आपके स्किन पर इंटरफेस हो रही है, पूरी नौ इंडोक्राइन ग्लैंड पूरी की पूरी इंटरफेस हो रही है। देखिए पहला है हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड आज पढ़ाएंगे, और हाइपोथैलेमस को ही ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, लेकिन आज मैं एज ए ग्लैंड पढ़ाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड और ये पीनियल ग्लैंड, और इसको पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, इसे को पीनियल बॉडी ग्लैंड भी कहते हैं, पीनियल बॉडी ग्लैंड भी कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ होता है देख लीजिएगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में होता है हमारे, कहाँ पर होता है ब्रेन में होता है इसका लोकेशन। अगर एग्जाम में वनडे एग्जाम में कभी आ जाए या एक नंबर में कभी आए कि सबसे मनुष्य के अंदर कौन सा अंग है जिस अंग में सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो आप एकदम कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, सीधा सीधा ब्रेन लगा देना, एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं ब्रेन में। चौथा नंबर है थायमस ग्लैंड कहाँ होती है, और थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, ये दो ग्लैंड है, ये दो ग्लैंड का लोकेशन होता है गले में, कहाँ गले में, थायराइड ग्लैंड क्या होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है ना, ज़्यादा ज़्यादा निकल आता है तो घेंगा रोग हो जाता है। अब ऐसे समझ लो कि थायराइड ग्लैंड होती है और एक पैराथायराइड होती है, थायराइड का छोटा पार्ट होता है पैराथायराइड ग्लैंड। फिर एक होता है छठा नंबर आ जाइए थायमस ग्लैंड कहाँ पर होती है, ये चेस्ट पर होती है, चेस्ट का इसका लोकेशन होता है। और सातवां नंबर आ जाइएगा पेंक्रियाज, इसे कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर होता है, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा, पेट के और जो हमारा ये होता है लीवर के जस्ट नीचे साइड में, उदर के ऊपर साइड में, बगल साइड में, मतलब सेम के बीच के तरीके से, सेम की जैसा वो होता है ना फल, उसी तरीके से होता है, इमली का फल देखा है ना, ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे रहता है ना, देखा है ना, ऐसे ऐसे रहता है, इसी प्रकार से रहता है एब्डोमिनल, ये पेंक्रियाज होता है। फिर आ जाइए एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर इसका लोकेशन होता है, किडनी मीन्स क्या होता है, ब्रिक होता है, इसीलिए इसको ब्रिक को अटैच करके ये ग्लैंड होता है, इसीलिए इसे अधब्रिक कहते हैं, मतलब आधा ब्रिक लय करके ये पूरा कैवेट करता है, यानी कि पूरा कवर करता है, इसीलिए इसे अधिवृक्क ग्लैंड कहते हैं। फिर गोनेड ग्लैंड सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है, महत्वपूर्ण तो सब हैं लेकिन गोनेड ग्लैंड से ही ये सृष्टि चल रही है, अगर गोनेड ग्लैंड ना हो तो कैसे जनन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसे कहते हैं, मतलब जनन ग्रंथियां भी कहते हैं। ब्लू इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है, ब्लू इंटेस्टाइन में होता है लैंगिक जनन ग्रंथि, इसे कहते हैं इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसमें जितने ग्रंथियां हैं सबकी डिटेल एक टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे, इसकी एक एक ग्रंथ के बारे में।
चलिए, बारिश के मौसम फिर भी गर्मी, बहुत गर्मी है। पानी पी ले थोड़ा। तो बच्चा कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ पढ़ा रहे थे, कुछ बोला करो तब भी हम पढ़ा पाएंगे ना। आइए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये एक ब्रेन का पार्ट होता है। पहले हम ऊपर से लेकर चलेंगे ना, ऊपर से सबसे ऊपर क्या है, हमारा हेड है। हेड के अंदर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन के अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन होता है, ये ग्लैंड होती है। एज ए ब्रेन एज ए ग्लैंड दोनों ये काम करती है। एज ए ब्रेन एज ए ग्लैंड दोनों काम करती है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे। सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, या और एक नाम से हम इसको कॉल्ड कर सकते हैं, मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब हम इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इससे जो है फंक्शन ऑफ, पहले इसका कार्य देख लेते हैं, पहला इसका कार्य देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के कार्य। हाइपोथैलेमस के कार्य, अब इसका कार्य देख लेते हैं, इससे कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, कौन सा हार्मोन नहीं सक्रिय होता है, ठीक है। टी एच हार्मोन इससे स्रावित होता है। पहला कौन सा हार्मोन, टी एच हार्मोन्स, टी एच हार्मोन्स। अब इसका फुल फॉर्म जानेंगे, थायरोट्रोपिन हार्मोन्स इसका पूरा नाम हो जाता है। क्या हो जाता है, अब मैंने क्या पढ़ाया, हाइपोथैलेमस पढ़ाया। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका फंक्शन मैं देखता हूँ, इसका कार्य क्या होता है, ये कौन सा हार्मोन सक्रिय करता है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के कार्य। टी एच हार्मोन थायरोट्रोपिन हार्मोन्स निकालता है, थायरोट्रोपिन हार्मोन्स इसका कार्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका फूट, तो इसका हम कार्य देखते हैं, ठीक है, इसका कार्य देखते हैं कि थायरोट्रोपिन हार्मोन्स का काम क्या होता है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, सही कर लीजिएगा बच्चों, इसको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, थायरोट्रोपिन हार्मोन्स। अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है, थायरोट्रोपिन हार्मोन। देखिए पहला नंबर होता है, इसे कहते हैं रेगुलेटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ
बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। तापमापी ग्रंथ इसे कहते हैं, तापमापी ग्रंथ। बच्चों ये बताओ, इतना छोटा है विजुअल है, अगर विजुअल हो तो हो, नहीं तो मैं और बड़ा करके लिखूं। विजुअल है, ओके थैंक यू, विजुअल है ना। तो रेगुलेटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को नापने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को और कंट्रोल करने का काम करता है। और एक नाम से इसे जानते हैं, और एक काम करता है, कौन सा काम करता है, ये करता है थर्मामीटर ग्लैंड इसे कहते हैं। थर्मामीटर ग्लैंड, इसे थर्मामीटर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ताप को कंट्रोल भी करता है और ताप के शरीर के तापमान को रेगुलेट भी करता है, रेगुलेट भी करता रहता है ये शरीर के ताप को, ठीक है। तो इसका काम जान लेना, एज ए ग्लैंड में पढ़ा रहा था, एज ए ग्लैंड पढ़ा रहा था आज मैं। अब देखिए, सुपर मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाएंगे, अब इसको मिटा दें, स्क्रीन शॉट लेना हो बच्चों तो ले लीजिए, मैं मिटाएंगे। चल चल ले लिए स्क्रीन शॉट, चलिए इसका एक एक ग्रंथियां मैंने खत्म की, एक ग्रंथ इतना ही काम था, अभी इसको लिखा रहने दो, अभी इसका काम और पड़ेगा हाइपोथैलेमस का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होते। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, कौन सी ग्रंथ बच्चा, पीयूष ग्रंथ। अब पीयूष ग्रंथ क्या होती है, अच्छा पीयूष ग्रंथ को एक ग्रंथ के नाम से और जानते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में कह दिया, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। कभी आएगा वनडे एग्जाम में या एक एक नंबर में आएगा आपके एग्जाम में कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो चार ऑप्शन दिया रहेगा या पांच ऑप्शन दे सकता है, तो आप सिर्फ लगा दीजिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं सर जी, हमें पता नहीं, अब पता होना चाहिए, पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाया था एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाया, एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती हैं, कितनी बताया था इधर, सेवन, कितनी, सेवन, सेवन एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सेवन में एक निकाल दीजिए इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड, तो क्या हो जाएगा, ये सिक्स ग्रंथ, क्या करता है, ये छह ग्रंथियों पर ये कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, छह ग्रंथियों पर ये कंट्रोल करता है, उसको दिशा निर्देश देने का काम करता है। अब देखो ये कहेगा पीयूष ग्रंथ कि जितनी ग्रंथियां होंगी एग्जोक्राइन उनको ये कंट्रोल करेगा कि आप हार्मोन्स अब निकालिए, अब हार्मोन्स आप बंद कीजिए, अब जूस आप निकालिए, एंजाइम्स निकालिए, इतना एंजाइम्स निकालिए, कितने जितने की जरूरत होती है, जब जिसकी जरूरत होती है जिस ग्लैंड की, तभी ये निकालने का, उसे दिशा निर्देश देने का काम करता है, नहीं तो ये सीधा सीधा कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर का काम जानते ही हो ना, जैसे इतने सारे लोग बच्चे बैठे हो तो मैं अकेला हूँ ना, अकेला हूँ, मान लीजिए ग्रंथि मैं पिट्यूटरी ग्लैंड हूँ, आप कौन से हैं, एग्जोक्राइन ग्लैंड, इतने लोग, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर अकेला कंट्रोल कर किया कि नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ तो बैठ गए, मैं कहें कि आप बताइए तो आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। वैसे इसका सेम टू सेम प्रोसेस इसका है,
तो ये सात ग्रंथियों पर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं। हैं अब ये देखो मास्टर ग्रंथ कहते हैं। अब आ जाइए हाइपोथैलेमस पर, सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर यानी कि मास्टर के मास्टर, क्या है मास्टर के मास्टर यानी कि मास्टरों पर ये कंट्रोल करता है। जैसे प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, जब घूमते हैं राउंड पर तो सारे टीचर अलर्ट हो जाते हैं, जब कहते हैं आप क्लास से बाहर आ जाइए आपका घंटा खाली है, या कहते हैं कि उस घंटे में आप चले जाइए, जब भेजते हैं जहाँ भेजते हैं जहाँ टीचर को जाना पड़ता है। इसीलिए ये क्या करता है, ये पूरे ग्लैंड पर, पूरे ग्लैंड के साथ साथ पूरे ब्रेन पर ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि मास्टर भी इसके कंट्रोल में होता है। यानी कि जितनी एक्जोक्राइन ग्लैंड, जितनी कि इंडोक्राइन ग्लैंड, सारी की सारी ग्रंथियों पर क्या करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके कंट्रोल के बाहर कोई नहीं जा पाता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, अब इसका काम तो मैं ख़त्म कर दिया, इसको मैं इंड कर दिया, अब उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब तो बहुत है लेकिन अब यहाँ अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड पर, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड में पहला ये हारमोन्स कौन सा निकालता है, पहले हारमोन्स की चर्चा हम करेंगे, ठीक। इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं, क्योंकि हम पिट्यूटरी ग्लैंड लिखेंगे तो जितने मतलब हार्मोन्स स्रावित होगा उसके बारे में बताएंगे, जगह कम पड़ जाएगी। तो बच्चा इतना समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आएगा एक बार में तो दोबारा इसे मतलब रिवर्स कर लीजिएगा, वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में टॉपिक बाय टॉपिक आ जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, बस ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होकर के आप सुनिएगा बस। पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड यानी कि कौन से ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, क्राइन ग्लैंड, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है लेकिन दूसरे नंबर की। अब कहोगे सर अभी यही तो मैं पढ़ करके आ रहा हूँ, इसी को जिंदगी भर मैंने पढ़ा है कि सबसे छोटी ग्रंथ क्या होती है, क्या होती है सबसे छोटी ग्रंथ, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी सेकंड नंबर पर आती है, पहला नंबर पर और और एक ग्रंथ होती है, ठीक है, अभी बताएंगे कौन सी ग्रंथ है। चलो फिर हम देखते हैं इसको, तो ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्रंथ बताया था, पहला नंबर होता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड कहते हैं, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से 0.02 ग्राम छोटी होती है, आज जान लीजिए सबसे छोटी ग्रंथि अगर मानव शरीर में पूछेगा ओवरऑल तो आप लगा दीजिएगा पीनियल ग्लैंड, और पीनियल बॉडी ग्लैंड भी आएगा तो यही एक ही नाम है, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड, 0.02 ग्राम ये क्या होता है, छोटी होती है, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों ऑप्शन में अगर रहता है तो पीनियल बॉडी ग्लैंड लगा देना या पीनियल ग्रंथ, अगर ये नहीं रहेगा पीनियल ग्लैंड तो आप लगा दीजिए पिट्यूटरी। पीनियल बॉडी ग्लैंड बहुत कम पूछी जाती है लेकिन जानते रहो कि कौन सी है, ठीक।
अच्छा ये बताइए कि कोई किसी को पता है ओवरऑल ग्लैंड में सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथ कौन सी है? यकृत, राइट है, यकृत है। अच्छा इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथ में? कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। चलो मास्टर ग्लैंड ना, ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। चलिए पहला हार्मोन्स कौन सा होता है? पहला हार्मोन्स क्या होता है? बहुत गर्मी लग रही है। ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है? ग्रो करता है ना, ग्रो करता है। ये सेल को क्या करता है? ये सेल को क्या करता है? सेल को ये क्या करता है? ग्रो करता है, ग्रो करता है। सेल को क्या करता है? ग्रो करता है। हमारे शरीर में जितने सेल है ना, कोशिका है, उसको ये ग्रो करने का काम करता है। अब कोशिका में ग्रो करने का काम क्या कैसे करता है? कभी कभी ऐसा होता हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ये मात्रा में जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में सक्रिय हो जाता है। तो सेक्रेशन के बारे में बता दें कि जब ज़्यादा मात्रा में ये ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है और जब कम मात्रा में निकलता है तो कैसे कैसे क्या कंडीशन होती है। एक होता है हाइपोसेक्रेशन, हाइपो सेक्रेशन, हाइपो सेक्रेशन। एक होता है, दूसरा होता है हाइपर सेक्रेशन। तो ये हाइपो सेक्रेशन और ये हाइपर सेक्रेशन देख लीजिए। ये जो ज्यादा हाइपर सेक्रेशन होता है, अधिक अधिक हाइपर सेक्रेशन होता है कम। अब इतना जान लीजिएगा, सेक्रेशन होता है एक हाइपो सेक्रेशन, एक हाइपर सेक्रेशन। ये अधिक होता है, ये कम होता है। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में रेगुलेट कर देगा, ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेस्ट कर देगा या निकाल देगा, तो क्या हो जाएगा? लंबापन, लंबापन, लंबापन हो जाएगा। देखो कभी कभी किसी किसी मनुष्य को देखोगे तो बहुत कम समय में, बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हाइट उसकी ग्रो कर जाती है। तो इसी कारण होता है, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में रेगुलेट कर देता है या ज़्यादा मात्रा में निकाल देता है तो क्या हो जाता है? इसको लंबापन, डावर वो कहते हैं, मतलब टाल हो जाता है, बहुत सारे लंबा हो जाता है ना। अगर ये कम मात्रा में निकाला तो क्या हो जाएगा? डावरफिज्म रोग हो जाता है, यानी कि बौनापन हो जाता है। कम निकालता है तो बौनापन, बौनापन, बौनापन हो जाता है। इसका यही कारण होता है, कभी कभी ऐसा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड कम मात्रा में इसको हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन्स को, ग्रो हार्मोन्स को निकालता है। तब ये सेल क्या होती हैं, सेल में पूरा पूरा मटेरियल नहीं पहुंच पाता है, जितने हमारे पोषक तत्व तो होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। जब सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा तो ये हमारा शरीर क्या करेगा? ग्रो नहीं कर पाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा। हाइपर सेक्रेशन, कम मात्रा में इसको रेगुलेट किया ग्रोथ हार्मोन को, नाटा हो गए। नाटा यानी कि बौनापन, ये देहाती भाषा में बोल गया, कोई बात नहीं, गांव से बिलोंग करता हूँ, इतना चलता है। तो ये कम मात्रा में बौनापन, ज़्यादा मात्रा में लंबापन। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया हो तो इसको पहला नंबर, अब ये पहला हार्मोन्स था, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा हार्मोन्स पढ़ाता हूँ। तो स्क्रीन शॉट हो गया,
फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है, दूसरा हार्मोन्स है इसी का ACTH हार्मोन, ठीक है, ऐसे है, हाँ यही है ACTH हार्मोन। एड्रीनो थायरो ट्रोपेन पेन हार्मोन्स, एड्रीनो थायरोट्रोपिन हार्मोन्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब ये क्या काम क्या करता है, देखिए फंक्शन ऑफ ए सी टी एच हार्मोन्स, ACTH हार्मोन्स। अब देखिए ये हार्मोन्स ACTH एड्रेनो थायरोट्रोपिन हार्मोन्स ये जब सक्रिय होता है तो हमारी प्यूबर्टी एज को बढ़ाता है, प्यूबर्टी एज, एज प्यूबर्टी एज यानी कि किशोरावस्था। अब देखो किशोरावस्था क्या है, ACTH हार्मोन एड्रेनो थायरोट्रोपिन हार्मोन्स इसका फंक्शन ये होता है, इस हार्मोन्स का प्यूबर्टी एज को बढ़ाता है, प्यूबर्टी एज लाने का काम करता है। जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है, लगभग 12 वर्ष तक। ये 12 वर्ष तक क्या होती है, बाल्यावस्था होती है, ठीक है, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। जब ये 12 वर्ष के बाद ये हार्मोन्स स्रावित होता है यानी कि 12 वर्ष में ये स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट होता है तो क्या होता है, किशोरावस्था। अब देखो किशोरावस्था क्या है, जब बच्चे 12 वर्ष क्रॉस करते हैं तो उनके शरीर में रासायनिक चेंजिंग आने लगता है, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन होने लगता है, तो आवाज लड़की की अलग हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, लड़कों की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, लड़कों के अंदर क्या होता है, दाढ़ी और मूंछों का विकास होने लगता है, और लैंगिक जनन ग्रंथियां जो होती हैं, लैंगिक अंग जो होते हैं विकसित होने लगते हैं, उनका जो है उनका मतलब कल्चर एक्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब लड़के क्या करते हैं, बलिष्ठता वाला काम करने लगते हैं, जैसे खेल कूद और दौड़, लंबे कूद, क्रिकेट मैच खेलना, ये सारे मतलब कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। और लड़कियां क्या होती हैं, वो अपना मतलब सौंदर्यपन वाले में डिवाइड कर जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन आती है और मतलब यौनारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है बालिकाओं के अंदर। और क्या होता है, जो गर्ल्स के अंदर एक चेंजेज और आ जाता है, जो कि इसे कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, मासिक चक्र, मतलब सर्किल आना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि फिर वो किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब किशोरावस्था वही होता है जब बच्चे को जन्म देने के योग्य उनके अंदर हार्मोन्स सक्रिय होने लगते हैं, उसी को किशोरावस्था कहते हैं, यानी कि चेंजिंग आने लगता है, किशोरावस्था को ये बढ़ाने का काम करते हैं। दो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के समाप्त हुए, तीसरा हार्मोन्स और पढ़ा देते हैं, बस बाकी हम कल पढ़ाएंगे। एक हार्मोन्स और लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिए, ठीक है कोई बात नहीं। एक हार्मोन्स और देख लो, फिर तीन हार्मोन्स। हाँ एक चीज मैंने भूल गया यहाँ पर, जो ये मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऐसी ग्लैंड है जो कि सबसे ज्यादा हार्मोन्स सक्रिय करने का काम करती है। लगभग कितना हार्मोन्स? 11। कभी भी एक एक नंबर में प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आप सीधा लगा दीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और फिर आ जाइए तीसरा, तीसरा हार्मोन्स कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन। तब बच्चों देखिए ये तीसरा हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अब देख लीजिए, इसका पहले नंबर फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। बस हार्मोन एच लिख के बिंदी रख दिया, हार्मोन समझ जाइएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये लेबर पेन को कंट्रोल, इट कंट्रोल ऑफ लेबर पेन, इट कंट्रोल ऑफ लेबर पेन। लेबर पेन इसको सफा लिख देना, लेबर पेन क्या करता है? ये प्रसव पीड़ा को कंट्रोल करता है, प्रसव पीड़ा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब इसको पहले समझ लो, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स तब सक्रिय होता है जब फीमेल में डिलीवरी का समय होता है, डिलीवरी का समय होता है जब बच्चे का जन्म होने का समय होता है, तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स सक्रिय करता है कौन सी ग्रंथ? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स सक्रिय करता है, बस ये लेबर पेन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसकी पीड़ा को क्या करता है? कम करने का काम करता है। और इसे एक हार्मोन्स की संज्ञा दे सकते हैं, इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, ठीक। अब जो समझ रहे हो लव हार्मोन्स, वो हार्मोन्स नहीं है बच्चा, हंसो मत, ये बायोलॉजी है, तोड़ देंगे। मैं जोड़ना भी जानता हूँ और तोड़ना भी जानता हूँ, दांत अंदर करना भी जानता हूँ, अगर हंसी निकलेगी तो। ये लव हार्मोन्स, आइए देखिए लव हार्मोन्स क्या होता है, कब सक्रिय होता है ये। गर्मी बहुत लग रही है, अब देखो ये तो निकलता है, ये हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन महिलाओं में ही निकलता है, महिलाओं में ही निकलता है। तब ये क्या क्या कौन सा हार्मोन्स हो जाता है? ये मेमली हार्मोन्स होता है। फिर ये जब लड़कों में फॉर्मेशन होने लगता है, तब इन लड़कों की अंदर की चेंजेज कुछ लड़कियों के करेक्टर कुछ मेल करने लगते हैं, तब इसको कहते हैं लव हार्मोन्स की संज्ञा दी जाती है। ये सारे ऐसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये तब हार्मोन सक्रिय होता है जब ये लड़कों में आ जाता है, लड़कों में आता है तो इसे लव हार्मोन, जब ये लड़कियों में आता है तो लेबर पेन को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रसव पीड़ा को कंट्रोल करके इसको जन्म देने में सहयोग करता है। इसे जनन हार्मोन्स भी कहते हैं, जनन हार्मोन्स भी कहते हैं, हार्मोन्स भी कहते हैं, जनन हार्मोन्स भी कहते हैं। बस इतना आज मैं इतना ही पढ़ाएंगे, लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो बोरियत महसूस हो, वैसे बोरियत वाला नहीं है चैप्टर, ध्यान से पढ़िएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा, लंबा चैप्टर है ना,
चैप्टर भी लंबा है, कोर्स भी लंबा है, तो थोड़ा लंबा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप 10वीं क्लास में हो तो इतना भी क्षमता है, किशोरावस्था में ये क्षमताएँ हैं पढ़ने की, क्योंकि ये अवस्था बहुत एटम बम की अवस्था होती है, कुछ भी कर सकते हो। तो इतना देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे या अच्छा लगेगा तो इसको मतलब सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, विद्यालय बंद हैं और आपके साथी इसको पढ़ लेंगे तो उनका भी नोट भी बन जाएगा और समझ भी लेंगे। और फिर अगर इसमें कुछ कमेंट आपके अंदर आता है या सुझाव आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिएगा कि सर यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर हमें और चाहिए, या कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका सुधार मैं कर दूंगा या उसका जो है सोल्यूशन मैं दे दूंगा। ठीक, बाकी मैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।